हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम क्लासेस के इस चैनल पे। और आज मैं आपके सामने लाया हूँ बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीसीसी 2020 के लिए। जो स्टूडेंट बीसीसी 2020 के लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसीलिए सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न के नाम से कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लाइकोपोडियम, दूसरा है टेरिडियम, तीसरा है एडेंटम और चौथा है इक्विसेटम। तो दोस्त इसका जो है सही ऑप्शन जाएगा सी। ये सी जो है इसका सही ऑप्शन जाएगा, इसके सी का जो है सी जो है सही ऑप्शन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज केलिसिफोरी। तो इसका आंसर जो दोस्त, पहला ऑप्शन है रोजेल्स, बी है ओलेकेल्स, सेपिंडेल्स एंड चौथा है रेनेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्त ए है, रोजेल्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा, विच वन ऑफ इज नॉट अ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा फ्री लिविंग प्रोटोजोआ नहीं है? तो पहला है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है यूगलिना, तीसरा है यार्डिया, चौथा है नोक्टिलुका। तो दोस्त इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यार्डिया। नेक्स्ट जो है दोस्त, चौथा क्वेश्चन जो है हम लोग चलेंगे, इसमें है आपका विच वन इज अ होलोफाइटिक प्रोटोजोआ। इनमें से कौन होलोफाइटिक प्रोटोजोआ है? पहला ऑप्शन यूगलिना, दूसरा अमीबा, तीसरा है मोनोसिस्टिस, चौथा है यार्डिया। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्त ए, यूगलिना। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट इज द रेंज ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ स्पंजेज। ओके, स्पंजेज का जो है लेंथ का रेंज कितना से कितना होना चाहिए? तो पहला है 1 mm से 10 mm तक, बी में है 1 mm, 1 cm से 1 meter तक, सी में है 1 mm मतलब मिलीमीटर से 100 mm तक, डी में है 1 meter से 10 meter तक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, बी 1 cm से 1 meter तक के बीच का हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोटोरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रोटोरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये जो है इसमें फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका बी प्रोपोरीफेरा। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन नंबर, विच इज नॉट अ निडेरियन। सबसे पहला ऑप्शन है ओबेलिया, बी में जेलीफिश, सी में सी एनिमोन, डी में वेरोए। ने इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड हुकवर्म। इसमें से कौन हुकवर्म कहलाता है? एनसाइक्लोस्टोमा, बी में है एंटेरोगियस, सी में रेबेडिस, डी में स्केरिस। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो आपका ए जाएगा, एनसाइक्लोस्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइलम एनिलिडा इंक्लूड्स ओवर। फाइलम है ना एनिलिडा जो है ना, इसमें कितना स्पीसीज है? जैसे पहला ऑप्शन है 15,000 स्पीसीज, सेकंड है 9,000 स्पीसीज, सी में है 60,000 स्पीसीज, डी में है 9 lakh स्पीसीज। इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा बी, 9,000 स्पीसीज। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर टेन, Among these oxygenation of blood occurs through moist skin। Moist skin में जो होता है वो किस में होता है? अर्थवर्म में, ऑक्टोपस, स्क्विड, जोरिस। तो आंसर जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिस हैज माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। किस में ना,
जिसका ऑप्शन है लिमुलस, बी में ब्यूथस, डी में है डेफिनिया, सी डी में है सी अर्चिन। सी अर्चिन डी ऑप्शन नंबर इसका आंसर जाएगा सी अर्चिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 12th है ना। विच इज नोन एज फ्लाइंग फिश, विच इज नोन एज फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश इसमें से कौन है, स्कोलिडन, बी में है एक्जोसीटस, सी में है ट्राइटिस और डी में ट्रैगन। तो आंसर जाएगा बी एक्जोसीटस। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश, इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर फिश नहीं है। पहला ऑप्शन पॉम्फ्रेट, बी में केलबेशो, सी में रेहू, डी में कतला। इसका आंसर वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ डिजिट इन लिंब यूज्ड फॉर वॉकिंग बाय रेप्टाइल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्त वो है आपका सी, नंबर इसमें 5 होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन बर्ड्स, बर्ड्स में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दोस्त वो सी जाएगा 12 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच हैज ऑपोजेबल थंब, इसमें ऑपोजेबल थंब में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लेटिपस, बी में कंगारू, सी में मोल, डी में लेमर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है लेमर, ऑप्शन नंबर डी। विच हैज क्वेश्चन नंबर 17, विच हैज होली और पार्टली लॉस्ट द एबिलिटी टू फ्लाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए में है AMU, बी में आउल, सी में क्रेन, डी में श्वान। करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्त है व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी यूज्ड एक्रिडिन ऑरेंज। पहला ऑप्शन है फेज कंट्रास्ट, बी में है फ्लोरोसेंस, सी में है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, डी में है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन। इसका जो ऑप्शन नंबर जाएगा वो बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू सेडिमेंट फ्री राइबोसोम्स सेंट्रीफ्यूगेशन रिक्वायर। तो पहला इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्त वो है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फ्लोइंग इज जनरली यूज फॉर क्रिएटिंग डेंसिटी ग्रेडियंट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो जाएगा आपका सी है ना, CSCL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दिस टेक्निक सेपरेट प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर वेट, PAG एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर इसका जो दोस्त सही है वो डी है, जेल फिल्ट्रेशन, जेल फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट विच एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज पेप्टिडोग्लाइकेन है ना। इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही है दोस्त ये है आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और लाइसोजाइम। करेक्ट आंसर जो है दोस्त वो है आपका डी, लाइसोजाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ द सेल कैन कंटेन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इसमें से कौन सा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन है। सबसे पहला ऑप्शन है सेल डेवलप, बी में है सेल वॉल, सी में है न्यूक्लियस, डी में है राइबोसोम। करेक्ट आंसर जो दोस्त जाएगा वो है आपका बी में सेल वॉल। नेक्स्ट 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, दिस कैन सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन। सबसे पहला ऑप्शन सल्फर ग्रेन्यूल्स, बी में है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, सी में है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, डी में है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ए जाएगा,
सल्फर ग्रेन्यूल्स। हाउ मैनी बेसल बॉडीज, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी बेसल बॉडी रिंग्स आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव सेल। ग्राम पॉजिटिव सेल में जो है कितने जो बेसल बॉडी रिंग होते हैं, तो इसका ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। करेक्ट आंसर जो जाएगा दोस्त वो आपका बी जाएगा, इसकी संख्या 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द फिलामेंट इन फ्लेजिलम कैन रोटेट बाय। फ्लेजिलम का फिलामेंट कितने डिग्री से रोटेट किया जा सकता है, पहला है 360 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, सी में है 120 डिग्री, डी में है 80 डिग्री। दोस्त 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच दीज टाइप ऑफ वैक्यूल्स कंटेन हाइड्रोलेज। पहला ऑप्शन है सेप, बी में है कंटेक्टाइल, सी में है फूड, डी में है एयर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका सी जाएगा, फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच कंटेन क्रिस्टी। क्रिस्टी किस में रहता है, ए में न्यूक्लियस, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में राइबोसोम, डी में माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा दोस्त ये आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन विच हेल्प अदर प्रोटीन टू फोल्ड प्रॉपरली आर कॉल्ड। इसका है ना ऑप्शन है इसमें चेपेरोन्स, बी में है एक्टिन्स, सी में है पोरिन्स, डी में है सिंथेज। 29 का जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है आपका ए, है ना, चेपेरोन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, पैक्टिक पॉलीसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल। तो इसका जो दोस्त करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका सी, प्राइमरी सेल वॉल। नौ क्वेश्चन नंबर 31, नौ क्वेश्चन नंबर 31 में है दोस्त, इन आइडियोग्राम क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर, है ना, पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग साइज, बी में है डिक्रीजिंग साइज, सी में है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, डी में है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है क्वेश्चन 31 का बी, डिक्रीजिंग साइज हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 32, फ्लो साइटोमेट्री अलाउज डिटेक्शन ऑफ डिफरेंसेस इन लेंथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज ए स्मॉल एज अबाउट, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से जो करेक्ट आंसर है दोस्त ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा, करेक्ट आंसर में ऑप्शन नंबर ए। एमओ इज द पार्ट ऑफ दिस एंजाइम, पहला है मोलिब्डेनम, एमओ मतलब मोलिब्डेनम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, हेक्सोकाइनेज, नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट है इसका 33 का जो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो है नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट 34 का क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन, द लिंकेज इन डाइसैक्राइड, लिंकेज इन डाइसैक्राइड। करेक्ट जो है दोस्त इसका पहला ऑप्शन है इसे आईथर है, दूसरा एस्टर है, सी में एमाइड है, डी में फॉस्फोडाइस्टर है। तो करेक्ट आंसर दोस्त इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईथर। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन नंबर, दिस इज अ वैक्स, वैक्स पहला ऑप्शन है पाल्मिटिक एसिड, इथाइल पाल्मिटेट, हेक्साकोसाइल पाल्मिटेट, सोडियम स्टेरेट, ऑप्शन नंबर सी, हेक्साकोसाइल पाल्टीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नॉट ऑल प्रोटीन्स हैव अ, है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। दोस्त 36 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। नौ क्वेश्चन नंबर 37, ए ट्राइपेप्टाइड कंटेंस, ऑप्शन नंबर ए में है 3 एमिनो एसिड, बी में है 4 एमिनो एसिड, सिक्स में है, सी में है 6 एमिनो एसिड, डी में है 2 एमिनो एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त जाएगा वो है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, 3 एमिनो एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर देयर इन एटीपी, है ना,
ऑप्शन नंबर वन में 3 है, बी में 2 है, सी में 1 है, डी में 0 है। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द पीएच ऑप्टिमम ऑफ पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर दोस्त इसका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 2 के लगभग बराबर होता है। और ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच हैज स्ट्रक्चर लाइक क्लोवर लीफ की तरह, किसका स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन ए में है डीएनए, बी में है एमआरएनए, सी में है टीआरएनए, डी में है आरआरएनए। ठीक है ना, आरआरएनए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्त वो है ऑप्शन टीआरएनए। इसका जो है जाएगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन टीआरएनए। ओके नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 41। Which one of these antibiotics is not produced by streptomyces? है ना, पहला ऑप्शन है बेसिलट्रिसिन, बी में है क्लोरोमाइसेटिन, नाइस्टेटिन, एरोमाइसिन। जो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्त जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, बैक्ट्रियट्रासिन। है ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। FIG फिग इज अ, ऑप्शन नंबर वन में है सोरोसिस, साइकोनस, डी में ड्रूप, डी में बेरी। दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी है, वो है साइकोनस। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो है दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 का, द नंबर ऑफ स्टोमेटल पोर पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द लीफ स्ट्रक्चर आर इन द रेंज ऑफ। है ना, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्त, ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी हम लोग है ना 1000 से 60000 तक के बीच में है ना इसका नंबर है ना इस रेंज में होता है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच आयन प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल स्टोमेटल ओपनिंग में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्लोरीन, Cl-, बी में है H+, सी में है K+, डी में है Na+। दोस्त 44 का जो है करेक्ट आंसर जाएगा वो सी है, K+, पोटेशियम प्लस होता है। ठीक है ना, नौ 45। ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मैनी मोल्स ऑफ ATP आर यूज इन फिक्सिंग 1 मोल ऑफ N2। दोस्त इसका जो ऑप्शन है 8 है, 16 है, 5 है, 10 है। करेक्ट आंसर जो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 16। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 46। इन रिडक्टिव एमिनेशन द प्रोडक्ट इज अल्फा ग्लूटारिक एसिड, बी में है ग्लूटामिन, सी में है ग्लूटामेट, डी में है एलानिन। तो करेक्ट ऑप्शन जो दोस्त इसका जाएगा 46 का वो ऑप्शन सी है, वो है ग्लूटामेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। फोटो रेस्पिरेशन रिक्वायर्स दिस एक्टिविटी बाय एन एंजाइम, पहला ऑप्शन है हाइड्रोलेज, बी में है ऑक्सीजिनेज, सी में है कार्बोक्सीलेज, डी में है ATPase। है ना दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है 47 का, वो है बी ऑक्सीजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। दिस इज नॉट अ C3 प्लांट, इनमें से कौन C3 प्लांट नहीं है। पहला ऑप्शन है अमारथ, बी में है राइस, सी में है व्हीट, डी में है पोटैटो। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए अमारथ, ये C3 प्लांट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेंड विच वन हैज़ द लोवेस्ट रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, इसका जो ऑप्शन है दोस्त पहला है ग्लूकोज, बी में है ट्राइपैल्मिटिन, सी में है ऑक्सैलिक एसिड, डी में है मैलिक एसिड। तो दोस्त इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ट्राइपैल्मिटिन। है ना, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 50। व्हिच इज द फर्स्ट कंपाउंड व्हिच कॉमन फॉर बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन ग्लाइकोलाइसिस। दोस्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन कॉमन कंपाउंड है, पहला कॉमन कंपाउंड कौन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन,
ऑप्शन ए में है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, बी में है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सी में है फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट और डी में है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। दोस्त दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच मॉलिक्यूल्स लिंक ग्लाइकोलाइसिस विद फर्मेंटेशन एज वेल एज टीसीए साइकिल। दोस्त इसका पहला ऑप्शन है इथेनॉल, बी में है एसीटल्डिहाइड, सी में है पीईपी, डी में है पाइरूविक एसिड। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जाएगा डी पाइरूविक एसिड। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 52। दोस्त हाउस फ्लाई शो द फ्लोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउस फ्लाई शो द फ्लोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्त इसका जो है ये है, पहला ऑप्शन है सेप्रोजोइक, बी में है पारासाइटिक, सी में है होलोजोइक, डी में है सिम्बायोटिक। तो इसका आंसर जाएगा दोस्त बी का 52 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सेप्रोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इट इम्प्लाइज बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन किसमें हो रहा है, हाइड्रा में, ओरेलिया में, अमीबा में या प्लेनेरिया में। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन ए हाइड्रा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 54, द एलिमेंट्री कनाल इन ह्यूमन हैज लेंथ ऑफ, एलिमेंट्री कनाल की जो लेंथ होती है ह्यूमन में वो कितनी होती है। तो दोस्त इसका जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो पहला ऑप्शन है आपका 6 से 9 मीटर, दूसरा है 2 से 5 मीटर, तीसरा है 10 से 28 मीटर और डी में है आपका 1 से 2 मीटर। दोस्त करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा बिल्कुल ये करेक्ट है और ये जाएगा आपका क्वेश्चन है ना ऑप्शन नंबर ए 6 to 9 मीटर इसका एलिमेंट्री कैनाल का जो है लेंथ लंबाई होती है ह्यूमन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार है ना ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 55, क्वेश्चन नंबर 55, दिस इज अ स्टोरिंग ऑर्गेन, जैसे ए में है गॉल ब्लैडर, बी में है लीवर, सी में है पेंक्रियास, डी में कोलोन। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए जाएगा गॉल ब्लैडर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 56, द सेल्स ऑफ द पेंक्रियास सिक्रेटिंग पेंक्रियाटिक जूस, जो सेल है पेंक्रियास का जो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है वो, पहला ऑप्शन है एसिनर सेल, बी में है गोबलेट सेल, सी में है पेप्टिक सेल, डी में है ऑक्सिनेटिक सेल। करेक्ट आंसर जो जाएगा दोस्त वो है ए एसिनर सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेगस नर्व एक्टिविटी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। तो सबसे पहला है सीसीके का फुल फॉर्म होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, बी में सिक्रेटिन, जी में है गेस्ट्रिन, जीआईपी, डी में है ना जीआईपी। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर है ना 57 का सी और इज द करेक्ट ऑप्शन गेस्ट्रिन। नाउ 58, हाउ मेनी एस्पेरेकल्स आर प्रेजेंट इन थोरेक्स इन कॉकरोचेस, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्त वो 58 का जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है 59, ERV प्लस RV इक्वल टू व्हाट फॉर लंग्स, है ना, ERV प्लस RV, है ना। तो ये हो जाता है दोस्त एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और ये RV रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों मिलके क्या बनता है, तो ये बन जाता है दोनों मिला के ए FRC। ठीक है नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 है ना इज ट्रांसपोर्टेड एज HbCO2, HbCO2 की है ना कि फॉर्म कितना परसेंट जो है मतलब CO2 ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पहला इसका ऑप्शन है 42, बी में है 23, सी में है 70, डी में है 50। दोस्त इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी 23। 61, विच वन इज एन एलर्जिक डिजीज, दोस्त इसमें से कौन सा एलर्जिक डिजीज है,
जैसे पहला ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, बी में है ब्रोंकियल अस्थमा, सी में है इम्फाइसेमा, डी में है निमोनिया। तो दोस्त इसका जो आंसर सही है बी है, ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, दिस आर मेनी है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन जाएगा होगा, न्यूट्रोफिल्स, बी में इसिनोफिल्स, बी में बेसोफिल्स, डी में थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्त इसका जो ऑप्शन है वो है आपका न्यूट्रोफिल। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, दोस्त सेल कंटेंट इन द लिम्फ आर मोस्टली, जो लिम्फ में सेल रहता है वो, पहला ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, बी में है बेसोफिल्स, सी में है लिम्फोसाइट, डी में है न्यूट्रोफिल्स। दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है सी, लिम्फोसाइट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 64, बर्ड्स एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट्स आर, जो बर्ड जो एक्सक्रीट करती है नाइट्रोजिनस वेस्ट वो क्या होती है, यूरिक एसिड होती है या यूरिया होती है या NH3 होती है। NH3 को अमोनिया बोलते हैं। गुआनिन, फोर्थ ऑप्शन इज गुआनिन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 64 का वो होगा ए, ऑप्शन नंबर वो ए, यूरिक एसिड। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 65, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर इज रिलीज्ड बाय, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। सबसे पहला ऑप्शन है हार्ट, बी ब्रेन, सी में किडनी, डी में पैंक्रियाज। विच इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हार्ट, ऑप्शन नंबर वन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 66, द मोनोमेरिक एक्टिन इज कॉल्ड, ए में एफ एक्टिन, बी में एम एक्टिन, सी में जी एक्टिन, डी में एन एक्टिन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो सी होगा, जी जी एक्टिन। नो क्वेश्चन नंबर 67, रेड मसल्स हैज, ऑप्शन नंबर वन मोर माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है लेस माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी में है लेस ब्लड कैपिलरीज। दोस्त इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 67 का ऑप्शन नंबर ए, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिनोवियल ज्वाइंट्स आर देयर, इसमें से कितने टाइप के सिनोवियल्स ज्वाइंट होते हैं फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी में। नाउ 69, दिस इज डायग्नोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए टाइप ऑफ IgM है, इम्यूनोग्लोबिन एम है ना। जैसे पहला ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, बी में है गाउट, सी में है ऑस्टियोआर्थराइटिस, डी में है रूमेटिड आर्थराइटिस। विच इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्त, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70, द लेटिट्यूड फॉर द टेम्परेट जोन आर, लेटिट्यूड ऑफ द टेम्परेट जोन आर, फर्स्ट ऑप्शन में है 40 डिग्री टू 60 डिग्री, बी में है 0 डिग्री टू 20 डिग्री, सी में है 20 डिग्री टू 40 डिग्री, डी में है 60 डिग्री टू 80 डिग्री। दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है आपका ए जाएगा, ए में है 40 डिग्री टू 60 डिग्री। ओके क्वेश्चन नंबर 71 है ना, इन एन एवरेज सॉइल द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज अबाउट, ऑप्शन ए है दोस्त 20, बी में है 30, सी में है 45, डी में है 5। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन जाएगा वो होगा 5D। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेट हाइड्रोफाइट, इसमें से कौन सा रोटेट हाइड्रोफाइट है, पहला ऑप्शन है निम्फिया, बी में है उल्फिया, सी में है साल्विनिया, डी में हेड्रिला। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन जाएगा वो होगा ए, निम्फिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, 73, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनिमल्स विच डू पीरियोडिक माइग्रेशन, किसमें पीरियोडिक माइग्रेशन होता है। दोस्त माइग्रेशन का मतलब होता है ना एक जगह से दूसरे जगह जाना, माइग्रेट कर जाना है ना, अपने क्लाइमेट के सुटेबल इन्वायरमेंट के वजह से एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, वही माइग्रेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा दोस्त, इसका ऑप्शन देख लीजिए, तो दिया हुआ है आर्टिक टर्न, बी में है अल्क, सी में है वेल, डी में है लोकस्ट। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, लोकस्ट। ओके
नाउ क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेज कम्स फर्स्ट इन एग्जार्च सक्सेशन। एग्जार्च सक्सेशन में सबसे पहला जो स्टेज है वो क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्त लाइकेन मॉस, बी में है एनुअल हर्ब, सी में है पेरिनियल हर्ब, डी में है स्क्रब। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन इकोसिस्टम में बार बार है ना आता है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन जाएगा वो पहला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जो इसका जो स्टेज होता है वो होता है लाइकेन मॉस। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, विच ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग दीज, है ना, किस में सबसे ज़्यादा स्पीशीज की संख्या है? तो सबसे पहला एल्गी, बी में फंगी, सी में फिश, डी में रेप्टाइल्स। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी है जाएगा, वो है फंगी। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 76, इट इज अ स्टिमुलेंट, इसमें से कौन स्टिमुलेंट है? ए में है नोवाकेन, बी में ओपियम, सी में वेलियम, डी में मेस्केलिन। तो दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है ए नोवाकेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, फ्लडिंग ऑफ द फील्ड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है पहला फंगी, बी में बैक्टीरिया, सी में वायरस, डी में नेमेटोड। दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है डी नेमेटोड। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 78, ड्यूरिंग हार्डनिंग प्लांटलेट्स आर केप्ट अंडर, तो पहला ऑप्शन है रिड्यूस्ड लाइट इन हाई ह्यूमिडिटी, दूसरा है इंक्रीज्ड लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी, तीसरा है रिड्यूस्ड लाइट एंड लो ह्यूमिडिटी, चौथा है इंक्रीज्ड लाइट एंड लो ह्यूमिडिटी। दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है आपका ए रिड्यूस्ड लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, फ्रूट सॉफ्टनिंग इज प्रोमोटेड बाय, फ्रूट सॉफ्टनिंग जो प्रोमोटेड का किससे? पहला ऑप्शन है क्राई प्रोटीन, बी में हीरोडीन, सी में है पोली गैलेक्टोरुनेज, डी में है एमाइलेज। दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो आपका सी जाएगा, पोल है ना, पोली गैलेक्टोरुनेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मैनी क्लासेज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर देयर इन ह्यूमन, इम्यूनोग्लोबिन किस है ना कितनी क्लास होती है ह्यूमन में? पहला ऑप्शन है 3, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में 6 है। तो दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है सी 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, पहला ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बी में है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सी में है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डी में है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो आपका डी जाएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, इन वैदिक टाइम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग नंबर ऑफ क्लासेस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्त वो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्त 82 का वो है आपका बी 3। नेक्स्ट, एंथ्राक्स इज काउज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन दोस्त, आप लोग भी इस क्वेश्चन से ज़रूर अवगत होंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 83 का, एंथ्राक्स इज काउज्ड बाय, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर जाएगा बैक्टीरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, हु गेव द नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन कॉल्ड होमोसेपियंस, दोस्त ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि नोमेनक्लेचर जो है ह्यूमन के लिए होमोसेपियंस जो नोमेनक्लेचर नाम दिया गया था वो किसने दिया था? पहला ऑप्शन है डार्विन साहब का, बी में है मेंडल साहब का, सी में है एरिस्टोटल साहब का, डी में है लीनियस साहब का। दोस्त डार्विन तो नहीं हो सकते हैं, बी में मेंडल भी तो नहीं हो सकते हैं, सी में एरिस्टोटल भी नहीं है, डी में लीनियस साहब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, इन एमिनोसेंटेसिस द फॉलोइंग इज एग्जामाइंड, तो इसमें एमिनोसेंटेसिस किस में एग्जामाइन किया जाता है? पहला है एमिनो एसिड, बी में है मेम्ब्रेन, सी में है स्किन सेल, डी में है सेक्स ऑर्गन। दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका सी, 85 का सी स्किन सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 86,
98% ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ जस्ट फॉलोइंग नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। फॉलोइंग नंबर कितना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कितना होना चाहिए दोस्त? इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर है ना 86 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, प्रोस्टाग्लैंडिन आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, प्रोस्टाग्लैंडिन किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, अमीनो एसिड का, न्यूक्लियोटाइड का, फैटी एसिड का, डायसैकेराइड का? दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फैटी एसिड, फैटी एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, नाइट फ्लावर्स आर मोस्टली, नाइट का जो फ्लावर होता है, नाइट फ्लावर वो कैसा होता है, वो वाइट होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है या ब्लू होता है? तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर है ए, वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग केमिकल्स, है ना। तो ये भी दोस्त बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है 89 का। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो H2S जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, विच वाज द फर्स्ट कैटालाइटिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ लाइट, है ना। फर्स्ट कैटालाइटिक मॉलिक्यूल कौन था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के टाइम? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है DNA, बी में है RRNA, सी में है tRNA, डी में है mRNA। दोस्त इसका करेक्ट आंसर है बी, RRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, दिस इज द एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गेन, ब्रेन ऑफ फिश ह्यूमंस, थॉर्न्स ऑफ टेंड्रिल्स एंड इन प्लांट्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग्स एंड हॉर्स। दोस्त इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट 92, दिस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गेन इन ह्यूमन, वेस्टिजियल ऑर्गेन का एग्जांपल कौन नहीं है इस ऑप्शन में? पहला ऑप्शन एक्सटर्नल ईयर, बी में है रिड्यूस्ड टेल बोन, सी में है विजडम टीथ, डी में है इंटेस्टाइन। दोस्त इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी जाएगा, इंटेस्टाइन, ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गेन नहीं है ह्यूमन में, ठीक है। नेक्स्ट 93, दिस इज बिलीव टू हैव इवॉल्व इन सीनोजोइक पीरियड, सबसे पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटी, बी में है फर्न्स, सी में है कोनिफर्स, डी में है सैकेट्स। दोस्त इसका जो आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, विच इज द हाइएस्ट इन द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? तो पहला ऑप्शन है जीनस, बी में है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर दोस्त जाएगा डी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, है ना। नेक्स्ट 95 का जो है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ तुलसी, तुलसी जो है का ऑर्डर क्या है? पहला है लेमेसी, दूसरा है लेमियल्स, सी में पोएल्स, सेपिनेडेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्त बी, लेमियल्स। काइटिन इज एन, पहला ऑप्शन है अमीनो एसिड, बी में है पॉलीसेक्राइड, सी में है प्रोटीन, डी में है ओलिगोसेक्राइड। दोस्त इसका करेक्ट आंसर जाएगा 96 का बी, पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, रस्ट इज अ बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, स्लाइम मोल्ड। दोस्त करेक्ट आंसर इसका जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच इज नॉट अ ब्रायोफाइटा, इसमें से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? हेपेटिकोप्सिडा, बी में है एंथेरोप्टोप्सिडा, सी में है ब्रायोप्सिडा, लेकोप्सिडा। 98 का दोस्त करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डीप, लेकोप्सिडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, दिस प्रोवाइड्स ब्राउन कलर कलर टू द एल्गी, ब्राउन कलर एल्गी का किसके वजह से होता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्त, पहला जो ऑप्शन है 99 का,
वो है आपका क्लोरोफिल ए, बी में है फैकोसाइनिन, सी में है फोकोजेंथिन, डी में है क्लोरोफिल बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है आपका सी फोकोजेंथिन। और दस नेक्स्ट हंड्रेड क्वेश्चन नंबर हंड्रेड लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, विच वन इज रेड एल्गी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी फेमस क्वेश्चन है, ये सभी लोग ये पता होगा। सबसे पहला है जेलिडियम, बी में क्लोरेला, सी में बोलबॉक्स, डी में यूलोथ्रिक्स। तो पहला ऑप्शन जेलिडियम दोस्त, ये फेमस क्वेश्चन है। इस तरह से दोस्तों हम लोग ने आज 100 क्वेश्चन को सॉल्व किए, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं इन सभी को इस क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार देखें, और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इनसे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों इस तरह से आपके सामने और भी वीडियो बनाकर लाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट और भी बनाते रहेंगे दोस्त। इस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ओके।